अब देखिए, पेट्रोल पंप मालिक कलानौर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट का ये मामला सामने आया है। सेल्समैन से गन पॉइंट पर लूट की गई है। बाइक से पेट्रोल पंप पर आए थे दो बदमाश, सेल्समैन से पैसे लेकर फरार हो गए। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। रोहतक भिवानी हाईवे की ये पूरी घटना जो है वो बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आ गया है। कलानौर में पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में ये सारी घटना जो है वो कैद हुई है, जहां पर सेल्समैन से गन पॉइंट पर लूटपाट की गई है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप समझ सकते हैं इस खबर को जानकर। गन पॉइंट पर देखिए, सेल्समैन से लूटपाट हुई। बाइक से पेट्रोल पंप पर ये दोनों बदमाश पहुंचे थे और इनके हाथ में गन थी। गन पॉइंट पर इन्होंने लूटपाट की, फिर वहां से फरार हो गए। पैसे लेकर फरार हुए हैं ये बदमाश। मामले की जांच में अब पुलिस जो है वो जुट चुकी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो पूरी कार्रवाई है, जो जांच है वो की जा रही है। ये पूरी घटना जो है रोहतक भिवानी हाईवे की बताई जा रही है। पचास पे अपने लड़के यहाँ पर बैठे थे, पेट्रोल पंप चालू था। दो लड़के प्लेटिना बाइक पे आए हैं और मेरा लड़का दीपक है जिंद्रान से, ये उनका पेट्रोल डालने के लिए जैसे ही मशीन पर पहुँचा, एक लड़का गर्दन का चिपट गया और एक ने उसका पिस्टल लगा दी। जे मैं 11:30 रुपये थे उसके, वो छीन करके लेके जैसे लड़के ने इधर उधर भागना शुरू किया, उसके पीछे पिस्टल लेके भागे भी थोड़ी दूर तक। लेकिन जैसे होटल पर से एक आदमी आ रहा था, उन्होंने देखा पर वो आ रहे पड़ोसी पड़ोसी, तो अपना बाइक लेके भाग गए। पहचान तो नहीं है जी, दो लड़के थे, मतलब 25 के आसपास की उम्र के थे। एक बैग पीछे लटका रखा था, एक ने सफेद टी शर्ट डाल रखी थी, एक ने ब्लैक टी शर्ट, बस यही पहचान है। कलानौर से मेरे सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक, ये तो मामला बता रहा है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है और किस समय की ये घटना है और क्या जानकारी आप इस पर दे पाएंगे? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा, ये सुबह की घटना है और सुबह तकरीबन 3:54 के आसपास की घटना है। जो सीसीटीवी में फुटेज आ गई है, सीसीटीवी फुटेज में भी सामने साफ दिखाई दे रहा है कि दो लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं और सेल्समैन से पैसे लूटने की जो घटना वो पूरी सीसीटीवी में बिल्कुल कैद हो चुकी है, जिसमें 11,400 रुपए सेल्समैन से लूटे गए हैं। सृष्टि, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, हालांकि अभी तक फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन एक सवालिया निशान ये उठता है कि मेन हाईवे है और जस्ट उससे 200 मीटर के पास एक चौराहा भी है जहां पुलिस द्वारा गश्त लगाई जानी चाहिए थी या पहले भी गश्त होती रही है। एक हैरत की बात यह है कि वहां टीम कहां थी, क्योंकि महज थाने से 1 किलोमीटर दूर और एक चौराहे से जहां गश्त की टीम होती है वहां से 200 मीटर दूर पर घटना को अंजाम दिया है। तो इससे शर्मनाक घटना पुलिस के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी वारदात की पहली नहीं है कलानौर के अंदर, इससे पहले भी वारदातें हो चुकी हैं जहां पुलिस पर सवाल उठना। पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है क्या बदमाशों के अंदर अशोक? ये तो पुलिस की काम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, तकरीबन अभी फिलहाल 1-2 महीने से लगातार चोरों द्वारा सरकारी विभागों को भी टारगेट बनाया गया है। बिजली विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। एक ट्रांसफार्मर की चोरी होती है तकरीबन 50,000 रुपए की, एक वारदात को अंजाम दिया जाता है, एक ही रात में 2-2 वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तो हैरत की बात यह है कि पुलिस गश्त के दावे कर रही है परंतु उसके दावे खोखले नजर आ रहे हैं। लगातार 1.5 महीने से लगातार चोरियां हो रही हैं और पुलिस पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है और ऐसे हालात में आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार पहले भी बहस चोरी की वारदात है, चाहे ट्यूबवेल की वारदात है, चाहे घरों के अंदर चोरियों की वारदात है या लोगों के अंदर कैश के साथ साथ उनकी गन्स वगैरह घरों से उठानी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अभी तक पुलिस सुलझाने में भी नाकाम रही और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये मामला जो है कलानौर से सामने आया है और किस तरह से बदमाश गन पॉइंट पर लूटपाट करके चले जाते हैं, ये बता रहा है कि बदमाश बेखौफ हो चुके हैं।